कर रहे थे फपोले की, सिस्ट की, सिस्टिक ओवरियन डिजनरेशन, वो जो सिस्ट में सिस्टिक ओवरी, ओवरी में जो डिजनरेशन आता है, चेंज आते हैं, जो फर्क आता है, जो बीमारी आती है ओवरी के ऊपर, जो बीमारी है वो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सिस्टिक ओवरियन, ये ओवरी की वह स्थिति है, सिस्टिक ओवरी, ये ओवरी की वह स्थिति है, वो पोजिशन है, वो स्थिति है जिसमें ओवरी पर एक बड़ा सिस्ट या फॉलिकल बन जाता है। ये ओवरी है और इसके ऊपर ये चिपक गया, ये होगा पूरा बंद होता है, गांठ सी होती है ओवरी के ऊपर। ओवरी बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है, जब प्रेग्नेंट होती है तब चिकनी नहीं होती, तब उस पर एक दाना चिपका रहता है, जिस दाने का नाम क्या है पवन तुमने बताओगे? सीएल, कार्पस लूटियम। ये छोटा सा, ये जैसे सिस्ट तो बड़ी है, वो छोटा सा ऐसे लगा रहता है, ये क्या है सीएल। अगर इसको आपने तोड़ दिया तो क्या होगा? एबॉर्शन हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तो आज हम फिर बता रहे थे कि सिस्टिक ओवरी गांठ कितने टाइप की होती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे गांठ कितने टाइप की होती है। डॉक्टर साहब को 10 मिल गए भाई, पूछ लेना। ये ओवरी की वह स्थिति है जिसमें ओवरी पर एक बड़ा सिस्ट या फॉलिकल बन जाता है, फॉलिकल भी वही है या सिस्ट भी वही है। ओवरी के ऊपर कोई गांठ बन जाती है उसको सिस्टिक बोलते हैं। लगभग 2.5 सेंटीमीटर या बड़ी साइज का फ्लूड से भरा हुआ विशिष्ट या कार्पस लूटियम की अनुपस्थिति में। कब बनेगा ये? कार्पस लूटियम वहां पर नहीं होगा। जब कार्पस लूटियम होगा तो क्यों नहीं बनेगा? सीएल नहीं होगा तो क्यों नहीं बनेगा? सीएल होगा तो क्यों नहीं बनेगा? क्यों ऐसे लगा, आइडिया लगा, ऐसी छोड़ते हैं घर के हम लोग, मैं भी ऐसी छोड़ता हूं, फिर घर के कोई ना किसी नतीजे जाएंगे, चीजों को निकालो। सीएल जो ये बता रहा है कि कार्पस लूटियम की अनुपस्थिति, ये सिस्ट कार्पस लूटियम की अनुपस्थिति में 10 दिन या ज्यादा समय तक रहता है, ये बड़ी बात है। लेके चलो बाबू, एक बड़ा सिस्ट बन जाता है तो सिस्ट का साइज होना चाहिए आपको 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर छोटा सा साइज होगा, गांठ बनेगी। और ये कहां साइज, 2.5 सेंटीमीटर साइज फ्लूड कहां रहेगा? ओवरी के ऊपर रहेगा, ओवरी के ऊपर रहेगा। और अब हम ये भी आपको बताएंगे आगे चल के कौन सी ओवरी पे सिस्ट ज्यादा मिलता है, राइट ओवरी पे या लेफ्ट ओवरी पे, ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। ये ओवरी की वह स्थिति है जिसमें ओवरी पर एक बड़ा सिस्ट या फॉलिकुलर बन जाता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर बड़ी साइज का फ्लूड से भरा हुआ ये सिस्ट कार्पस लूटियम की अनुपस्थिति में 10 दिन या ज्यादा समय तक रहता है। कार्पस लूटियम की अनुपस्थिति में रहता है, अगर कार्पस लूटियम वहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जब सीएल वहां बन गया तो हार्मोन लेवल चेंज नहीं है, और सीएल वहां बना हुआ है, कार्पस लूटियम बना हुआ है, तो प्रेगनेंसी मेंटेन है। जब प्रेगनेंसी मेंटेन है, हार्मोन लेवल दिक्कत नहीं है, तो फिर ये बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सिस्ट इसलिए तो बन रही है कि सीएल कार्पस लूटियम वहां पर प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अगर कार्पस लूटियम वहां बन जाएगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी, जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी तो ये नहीं बनेगी। आई एम राइट और रॉन्ग? समझ में आ गई? किसकी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में सिस्ट बनती है? पता चला कार्पस लूटियम की अनुपस्थिति में सिस्ट बनती है, ये पता चला। अब आ जाओ, 10 दिन या ज्यादा समय तक रहता है, 10 दिन या ज्यादा समय तक रहता है, इसकी वजह से गाय भैंस बार बार अधिक हीट में निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया ओवर हीट, बार बार हीट में गाय भैंस बार बार या अधिक हीट में निम्फोमेनिया आती है। एक ही बार बार अनियमित या लगातार, या बार बार आएगी, लगातार आएगी, अनियमित आएगी, नियमित नहीं होगा उसका, समय से नहीं आएगी, कभी 4 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 12 दिन बाद। जो साइकिल है, जो स्ट्रेस का जो चक्र है, वो लगभग 21 दिन का होता है, वो उससे आगे पीछे आएगी 11 दिन हीट में। बहुत लोग कहते हैं कि साहब 10 दिन बाद हीट में आ गई, 11 दिन बाद हीट में आ गई। अगर कोई पशु लगातार हीट में आ रहा है या रेगुलर अलग अलग समय पे हीट में आ रहा है, इरेगुलर है, अनियमित है, तो आप ये समझ लें कि सिस्टिक केस है। डिस्चार्ज क्लियर होगा, डिस्चार्ज बढ़िया डालेगी, डिस्चार्ज बढ़िया होगा, सिस्ट की पहचान ही डिस्चार्ज बढ़िया होगा, तो आप ये समझ लिया। अब क्या है, निम्फोमेनिया में आती है, ये एक ही बार बार अनियमित या लगातार होती है, इस्ट्रस साइकिल छोटी हो जाती है, इस्ट्रस साइकिल। ये कितने दिन की होती है? लगभग 21 दिन की, ये 21 दिन की होती है आमतौर से, 18 से 21 दिन होती है, ये छोटी हो जाएगी, ये 15 दिन भी हो सकती है, 10 दिन भी हो सकती है।
अभी नहीं कराई थी, 15 दिन बाद नहीं हीट हो गई, 10 दिन बाद हीट में आ गई, ईस्टर साइकिल छोटी हो जाती है। एक पहचान क्या, ईस्टर साइकिल छोटी हो जाएगी, अनियमित हो जाएगा और बार बार हीट में आ गई। ये काय की पहचान है, सिस्ट की पहचान है, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया बार बार हीट में कहते हैं, एक ही बार अधिक लगातार होती है, ईस्टर साइकिल छोटी हो जाती है, इसके कारण एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये क्या कंडीशन है, ये बांझपन का एक बड़ा कारण है, सिस्ट का होना। बांझपन का बड़ा कारण क्या है, सिस्ट का होना। तो हम आगे बढ़ते हैं, छोटी हो जाती है और इसके कारण एनिमल हीट में नहीं आ पाता है। अब आगे आ जाओ, फॉलिकुलर सिस्ट, लूटियल सिस्ट, इन पर चर्चा करेंगे। फॉलिकुलर, फॉलिक्यूल जैसा बन जाता है। क्या होती है फॉलिकुलर सिस्ट, अब ये हम बताएंगे। ये आप छू के भी अंदाजा लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉलिकुलर सिस्ट या दैट इज द ल्यूटियल सिस्ट, और आप सिम्टम्स के आधार पर पता लगा सकते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तैसे आप अंदाजा लगा लो कि ये सिस्ट ल्यूटियल है, फिर ल्यूटियल के आधार पर देखोगे आप सिम्टम्स क्या आएंगे। फॉलिकुलर सिस्ट, ये पतली बाल एक या ज्यादा, एक या दोनों ओवरी पर सिस्ट होती है, दोनों पर होगी। फॉलिकुलर सिस्ट का मतलब एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, इसका नाम ही फॉलिकुलर है, एक से ज्यादा फॉलिकुलर बन जाना, समझ पा रहे ना मेरी बात। फॉलिकुलर, एक भी दाना हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक ओवरी हो सकता है, दोनों ओवरी, लेकिन ये ज्यादातर दोनों ओवरियों पर मिलती है। ये ओवरी पर सिस्ट हो जाती है, एक या ज्यादा या दोनों ओवरी पर सिस्ट होती है, प्रायः डेयरी गायों में ये सिस्ट ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है डेयरी गायों में, हाजा दूध देने वाले। ये मैंने जो अपना तजर्बा किया, मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग बार बार गर्मी को मरवाते हैं और उसको नई नहीं कराते हैं, वहां पर सिस्ट बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये है बिल्कुल। तो डेयरी में क्या है, उनका काम दूध रहने का है, उनकी गाय दूध दे रही है, तो हीट को मार रहे हैं, वो मार रहे हैं हीट को। वही बार बार जब हार्मोनल लेवल चेंज होता है, और कुदरत ने हार्मोनल लेवल पे बताया कि इस टाइम पे इसको सीमन चाहिए और ये प्रेग्नेंट होगी, तभी वो होता है। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में यूट्रस का इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, कैंसर यूट्रस का हो रहा है, चूंकि एक दो बच्चों के बाद फुल स्टॉप है और वो खुराक मांगती है। यूट्रस का काम है, खेत की तरह काम करती है, उसका काम है बार बार उसके अंदर बच्चे पैदा होना। इसलिए आपने देखा हो किसी विलेज डॉक्टर के पास जाओ, सारी यूट्रस की प्रॉब्लम, धड़ाधड़ा यूट्रस निकला, धड़ाधड़ा यूट्रस निकला, चूंकि जो खेत है वो बांझ कर दिया आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमारी मैडम के साथ हो गए तो वो कहने लगे बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, ना तो यूट्रस निकलेंगे, ऐसा मत कहने, मेरे ऊपर तो बड़ा बवाल लग जाएगा कि डॉक्टर साहब तो प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले ये बीमारियां नहीं थी, चूंकि बच्चे होते रहते थे, यूट्रस काम करती रहती थी, और जो महिलाएं दूध पिलाती रहती थी, ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होता था। तो ब्रेस्ट कैंसर का भी कारण वही है, और वही कारण है यूट्रस का खराब होने का, चूंकि यूट्रस का काम। तो ठीक उसी तरीके से है, जो डेयरी गाय है उन गायों को लंबे समय तक गर्भ नहीं कराना, वहां पर फॉलिकुलर सिस्ट बनने के चांसेस बने रहते हैं। फॉलिकुलर, फॉलिकुलर का मतलब एक से ज्यादा होते हैं, फॉलिकुलर बन जाना, छोटा छोटा बन जाना, फॉलिकुलर सिस्ट, ये पतली बाल, ये पतली बाल एक या ज्यादा, एक बन जाएगी या ज्यादा बन जाएगी, एक या दोनों ओवरी पर, दो चीजें लिखी हैं इसमें, एक से अधिक एक ही ओवरी पर हो सकती है या दोनों ओवरी पर हो सकती है, यहां बात खत्म हो गई। सिस्ट होती है प्राय डेयरी गायों में मिलती है। डेयरी गायों में क्यों मिली है, इसलिए मिली के? नहीं, तो बार बार वो हीट में आती है और वहां पर सिस्ट बन जाती है। लूटियल सिस्ट, लूटियल मोटी बाल, यहां क्या था पतली वॉल, वॉल यहां क्या मोटी वॉल, मोटी बाल का ये अकेला सिस्ट होता है, ये जगह जगह नहीं होते, ये एक ही होती है, बड़ी होती है, दूसरी नहीं मिलेगी। अगर ओवरी चिकनी है उसके ऊपर एक ही गांठ दिखाई दे रही है, दूसरी गांठ नहीं दिखाई दे रही, तो समझ लेना ये जो सिस्ट है ये ही लूटियल सिस्ट है, ये अकेला सिस्ट होता है और एक ही ओवरी पर होता है। मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया, फॉलिकुलर सिस्ट पतली दीवार होगी, एक से ज्यादा गांठें हो सकती हैं और दोनों ओवरी हो सकता है। लूटियल सिस्ट बड़ा होगा और एक ही सिस्ट होगी और एक ही ओवरी पे होगी, राइट और लेफ्ट, इज इट क्लियर। लोग आ गए, अभी तक हमने क्या बताया था आपको, दोनों बताई थी हमने, ये बताया था कि फॉलिकुलर सिस्ट, जब हम चार्ट बनाएंगे इसको डिफरेंशिएशन में से, तो वहां क्या लिखते हैं, हम पतली है, दोनों में होगी और एक से ज्यादा होगी। उधर हम लिखते क्या लिखते हैं सिस्टिक में, एक होगी और एक ही ओवरी में होगी। फिर दूसरा क्या लिखते हैं कि 60% लेफ्ट में होगी, 60% क्या होगी, राइट में होगी और 40% लेफ्ट में होगी। फिर लिखते हैं लूटियल, ये 75% राइट में होगी और 25% लेफ्ट में होगी।
ये भी उसमें लिख गया था। तो हर एक चीज को आप देख रहे हैं, दोनों तरह के सिस्ट ओवुलेशन नहीं होने पर विकसित होते हैं। है, ये ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ओवुलेशन कायम होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स जब मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद उसके अंदर से जो ओवा निकलता है बाहर को आता है तो ओवुलेशन होता है। तो इसमें ओवुलेशन नहीं होता, दोनों तरह के ही सिस्ट ओवुलेशन नहीं होने पर विकसित होते हैं। प्राय सिस्ट लेफ्ट ओवरी की तुलना में राइट ओवरी पर अधिक होता है, प्राय सिस्ट लेफ्ट ओवरी की तुलना लेफ्ट ओवरी में कम होगा और राइट ओवरी में ज्यादा होता है। सिस्ट कैसे बनती है ये भी लिख दिया तुमने, तुम तो पूरे मास्टर हो रहे यार, इतना लंबा गहराई में पढ़ाना पड़ेगा तो फिर पूरा कई घंटे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना मुंह खोलता नहीं हूं, मैं रोक के रखता हूं, इतना ही पढ़ाओ जितना इनका काम का हो, तो जरूरत ही नहीं है इन फालतू चीजों की, कोई जरूरत नहीं है। उतनी जरूरत थी कि ये सिस्ट जो है लूटियल है या फॉलिकुलर है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब फिर पढ़ाएंगे, जो लिख गया तो पढ़ाएंगे। सिस्ट कैसे बनती है, निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया क्या होता है, बार बार हीट में आने की कंडीशन को क्या कहते हैं, निम्फोमेनिया कहते हैं। ये एक रिसेसिव जीन के कारण होता है, एक जीन है वो रिसेसिव जीन के कारण होता है तथा सिर्फ फीमेल में अपना असर दिखाता है। ये जो जीन है ये फीमेल में असर क्यों दिखाता है, ओवरी फीमेल में हो गया यार, जीनियस बिहार के लोग जीनियस होते हैं भाई, खान सर को देखो कितने जीनियस है, हमें गर्व है कि हमारे पास खान सर है, पूरे भारतवर्ष को गर्व है कि खान सर जैसे लोग भी। तो क्या बताया, निम्फोमेनिया के केस में ये रिसेसिव जीन के कारण होती है और तथा सिर्फ फीमेल में अपना असर दिखाती है। फीमेल में दिखाएगी क्योंकि फीमेल में ही जीनाइटल ऑर्गन होते हैं, ओवरी होती है, इसलिए ये असर उसमें दिखाएगी। हार्मोन का असंतुलन, हार्मोन का असंतुलन का मतलब क्या है, वही जब वो हीट में आती है उस वक्त आप उसको सीमन नहीं कराते, हार्मोन का ये गाय जो बार बार हीट में आती है, निम्फोमेनिया शुरू में ही उसकी यूट्री ग्लैंड में गड़बड़ी होती है, बार बार हीट में आती है तो उसमें निम्फोमेनिया केस में तो पिट्यूटरी ग्लैंड में उसका पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से ही सिस्ट बन जाती है। एक नॉर्मल गाय के LH व FSH का अनुपात 3:1 रहता है, फिर इसका उल्टा हो जाता है। LH और FSH एक दो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, दोनों का एक अनुपात है 3:1, जब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो ये हो जाता है 1:3। ये एक नॉर्मल गाय के LH और FSH का अनुपात 3:1 होता है, जबकि सिस्ट वाली या निम्फोमेनिया गाय में ये अनुपात 1:3 यानी उल्टा हो जाता है। इस प्रकार LH के रिलीज होने से ओवरी पर कार्पस लूटियम CL नॉर्मल रूप में से विकसित नहीं हो पाता, नॉर्मल रूप से विकसित नहीं हो पाता। बताओ क्या चीज समझ पाए, नहीं क्या बता रहा है, जब LH ज्यादा रिलीज हो जाएगा होने से ओवरी पर कार्पस लूटियम नॉर्मल रूप से विकसित ही नहीं हो पाता, जब और जब वो विकसित रिलीज ही नहीं हो पाएगा तो वहां पर रुकेगा नहीं और फिर वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। ये है, स्क्रीनशॉट लो इसका भाई। लेकिन FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन और अधिक मात्रा में निकलता है, इससे ग्राफियन फॉलिकुलर विकसित होता है। ये कायम रहता है, ग्राफियन फॉलिकुलर ओवरी में रहता है, ये जब विकसित होता है तो इसके अंदर से अंडा निकलता है, ओवा निकलता है, ग्राफियन फॉलिकुलर विकसित होता है और एड्रेनल ग्लैंड व ओवरी की नॉर्मल प्रणाली में गड़बड़ी से सिस्ट बनती है। ये हार्मोनल इम्बेलेंस होगा और यहां पर सिस्ट बन गई। रेक्टल पल्पेशन द्वारा डायग्नोसिस करें कि कौन सी सिस्ट है, कैसे पता करो कौन सी सिस्ट है, बताओ भाई आप बताओ, क्या नाम है आपका, सुरेंद्र, कैसे पता करोगे कौन सी सिस्ट है, मतलब अभी हमने दो सिस्ट बताई, एक फॉलिकुलर सिस्ट बताई, एक लूटियल सिस्ट बताई, तो फॉलिकुलर सिस्ट है ये लूटियल सिस्ट है कैसे पता करेंगे। फॉलिकुलर सिस्ट हमने बताया कि फॉलिकुलर सिस्ट दोनों में हो सकती है और एक ओवरी के ऊपर 1-3 दाने हो सकते हैं, और हमने बताया लूटियल सिस्ट में एक ओवरी पे होगी और एक ही होगी। आप बिल्कुल नए हैं लेकिन हमारी भाषा बार बार सुनोगे तो आपको पुराने हो जाओगे, और जो नया होता है वो ज्यादा अच्छा सीखता है। रेक्टल, रेक्टल का मतलब जानते हो, गोबर की जगह हाथ डालोगे रेक्टम में, रेक्टम से बना रेक्टल, हाथ डालोगे और 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर पर ले जाओगे हाथ दूर। 40-50 सेंटीमीटर क्यों लेके जाओगे तुम मत बताना, 40-50 सेंटीमीटर क्यों लेके जाओगे हाथ, तो 40-50 में क्यों लेके जाओगे, रेक्टम से हाथ डालोगे
ठीक है, गोबर की जगह से हाथ डालोगे। मैंने बताया कि हाथ की डिस्टेंस गोबर के रेक्टम से 40 से 50 सेंटीमीटर में लेके जाओगे। क्यों? 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे वो स्थित होती है, कॉमन सेंस है। ये तुम छे नहीं ना, उसने सीधे तुमसे पूछा जो पढ़ाया था, तुम नहीं थे ना उस टाइम, तब भी तुमने कॉमन सेंस लगा दिया। 40 से 50 सेंटीमीटर पे ही ओवरी स्थित होती है, ठीक। ये रेक्टल प्रोडक्ट द्वारा डायग्नोस करें कि कौन सी सिस्ट है, तो हाथ डाल के पता चल जाएगा फॉलिकुलर है ये क्या। यदि फॉलिकुलर सिस्ट होगी तो एनिमल निम्फोमेनिया होगी, बार बार हीट में आएगा। अब यहां से उल्टा पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, अगर बार बार पशु हीट में आ रहा है तो जब आप सिस्ट देखोगे तो हाथ डाल के देखोगे दोनों में मिलेगी और एक ओवरी के ऊपर ज्यादा मिलेगी। निम्फोमेनिया बार बार हीट में आ रहा है तो कौन सी सिस्ट मिलेगी? फॉलिकुलर सिस्ट मिलेगी। और जो हीट में नहीं आता दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल सिस्ट, अकेली होगी और एक ही ओवरी पे होगी। तो अब लक्षण क्या है, किसान आपको उल्टा बताएगा। किसान कहेगा सर ये बार बार हीट में आ रही है, कभी 10 दिन में हीट में आ जाके, 5 दिन में हीट में आ जाके, 15 दिन में हीट में आ जाता है, ज्ञापन कराता हूं रुकती नहीं है, तो समझ लो ये फॉलिकुलर सिस्ट है। हाथ डाल के आप देख लोगे दोनों में मिलेगी। अगर किसान कहता है डॉक्टर साहब 6 महीने ब्यायु हो गया और हीट में नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड ए ल्यूटियल सिस्ट। तो ल्यूटियल सिस्ट को जब एक फिर हाथ डाल के देखोगे एक ही ओवरी में मिलेगी तो वो ल्यूटियल सिस्ट कहलाएगी। क्या हो गया? वो हीट में नहीं आएगा। यदि फॉलिकुलर सिस्ट है तो पहले LH या GnRH हार्मोन दें। फॉलिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या है देखिए कितनी बड़ी बात है, ये तुम लोग पढ़ते नहीं हो, जब पढ़ते हो तो चीज आती है सामने। जितने लोग भी लगाते हैं, देखिए 5 के हो गए, जितने लोग भी लगाते हैं क्या सिस्ट को खत्म करने के लिए, सब लूटालाइज या बैटमेंट लगाते हैं, लूटालाइज बैटमेंट या प्रेग्मा, इसके अलावा नहीं लगाते। कैसे आंसर है? सेप्टाल और गाइनरिश को लोग सिर्फ और सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं जो गाय भैंस ग्यावन नहीं रुकती है, जब वो हीट में आ जाती है तो कहते हैं इसे लगा दो और 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद नहीं करा देना, नहीं रुकेगी, इसीलिए भैंस नहीं रुकती। इसका काम दो है, इस इंजेक्शन के काम दो हैं। एक काम है इसका फॉलिकुलर सिस्ट को लाइसिस करना, मेल्ट करना, घुलाना, और दूसरा काम है ओवुलेशन करना। अब तुमने सिस्टिक ओवरी थी, ग्यावन रुक नहीं रही थी, तुमने इसे लगा दिया, AI कर दी, तो ये ओवुलेशन कहां से हो जाएगा? ओवुलेशन तो तब होगा जब सिस्ट खत्म होगी, और सिस्ट वहां बनी है तो ओवुलेशन कैसे हो जाएगा? क्या सर हमने सारे इंजेक्शन लगवा दिए, गाइनरिच भी लगा दिया, रिसेप्टर भी लगा दिया, एक बार गाइनरिच लगाया, एक बार रिसेप्टर लगाया और गाय भैंस ग्यावन नहीं रुकी, क्योंकि वो फॉलिकुलर सिस्ट है। पहले फॉलिकुलर सिस्ट को ठीक करोगे तब जाके ग्यावन रुकेगा। तो हम किस नतीजे पर आए? और इंजेक्शन का जनरली लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं जो गाय भैंस नहीं रुकती है, इसे लगा तो नहीं कराते, जबकि इसका ट्रीटमेंट है आपको फॉलिकुलर सिस्ट में। तो कैसे करोगे? अगर फॉलिकुलर सिस्ट है तो फॉलिकुलर सिस्ट को आप पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? हाथ डालोगे, दोनों में होगा, दाने दाने होंगे, एक से दो होंगे, तो आपको ये लगाना है इंजेक्शन, गाइनरिच लगाना है या रिसेप्टर लगाना, 5 में लगा के छोड़ देना इसको, उस हीट में कुछ नहीं करना है, अगली हीट में चेक करोगे इसको, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? सिस्ट खत्म हो जाएगी। सिस्ट खत्म हो गई तो 100% गैम रुक जाएगी। क्यों 100% क्यों गैम रुक जाएगी? डिस्चार्ज साफ था, सिस्ट भी क्लियर हो गई, फिर तो रुकना ही रुकना, इसलिए मुझसे रुक जाती है, सारे रास्ते क्लियर हो गए। रेगुलर हीट आएगी, फिर जैसी फॉलिकुलर सिस्ट रैप्चर हो गई तो साइकिल में आ जाएगी अपने। हाँ बस सही हो गया, जो 12 दिन में आ रही थी वो 20 दिन में आने लगी, 21 दिन में आने लगी। अगर मान लो इंजेक्शन लगा के रेगुलर हीट नहीं आई और सिस्ट खत्म नहीं हुई तो क्या करोगे? बेला ये भी तो हो सकता है फॉलिकुलर सिस्ट में लगा है ना, ल्यूटियल तो होगी नहीं, होगी फॉलिकुलर, खत्म नहीं हुई, जबकि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है, एक सेकंड डोज और मांग रही है। अगर 10-11-12 दिन में ठीक नहीं होती है तो आप सेकंड डोज फिर पेल लो 11 दिन बाद, फिर मामला खत्म हो जाएगा, सिंगल डोज से काम चले। कभी तुम लोग ने दीवार तोड़ी है
तूने तोड़ी को बाहर कर दिया, दीवार की ईंट हटाई है तो हाथ में आपके क्या रहता है, खट खट मारते रहते हो, तो सारी ईंटें तो हट रही हैं लेकिन एक ईंट पर नट रहा, तो एक ईंट पर क्या मारते हो, चार पांच बार मारते हो, नहीं मारते ज्यादा मसाला लगा चार, तो ठीक इसी तरीके से जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो एक डोज में खत्म नहीं हो तो सेकंड डोज लगा खत्म हो जाए। क्लियर? फॉलिकुलर सिस्ट का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट का नाम है रिसेप्टाल या गाइनरिच। ये लगा दो पांच बार, इससे ओवुलेशन होगा और कार्पस लूटियम विकसित होगा, एनआई लगाने से फॉलिकुलर सिस्ट सिकुड़ जाती है। ये हो गया, क्या होगा इससे, ये इंजेक्शन क्या करेगा, कैसे सिस्ट खत्म होगी बताओ। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है पवन, तुमने लिख दिया और तुम खुद नहीं बताते, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना, लिखना अलग बात है पढ़ना अलग बात है। तो अब तुम जब हमारे संपर्क, ये कुछ और कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि इस इंजेक्शन का काम है ओवुलेशन करना। ओवुलेशन कब होगा? ओवुलेशन तब होगा जब फॉलिकुलर, जो फॉलिकुलर है वो फटेगा, वो रैप्चर होगा। तो ये कह रहा है इससे ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन का ग्राफियन फॉलिकुलर फटेगा और ओवुलेशन होगा। तो जब उसके अंदर से ओवा निकल जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल छोटा पड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जो उसके अंदर से क्या निकल गया, ओवा निकल गया, अंडा निकल गया और कार्पस लूटियम विकसित होगा। जब ओवा निकल जाएगा तो कार्पस लूटियम विकसित हो जाएगा और एनर्जी लगाने से फॉलिकुलर सिस्ट सिकुड़ जाएगी, फॉलिकुलर सिस्ट जो है सिकुड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यदि लूटियल सिस्ट है, लूटियल सिस्ट की क्या पहचान है, एक ओवरी पे होगी और एक ही जगह होगी, ये लूटियल सिस्ट की पहचान है। तो सिर्फ PGF2 अल्फा हार्मोन, ये कौन सा है, प्रेग्मा, ये है यहां पर, ये है, चलो समझ जाएंगे लोग। इंजेक्शन प्रेग्मा, इंजेक्शन वेटमेट, क्लोप्रोस्टिनोल इसमें साल्ट होता है, या लूटालाइज, ये कोई भी इंजेक्शन इसमें से मिल जाए, ये लूटियल सिस्ट जिसमें गांठ बनी है एक ही ओवरी पे है वहां लगाओगे। और इसकी पहचान क्या है, पशु हीट में नहीं आता, जब पशु हीट में नहीं आ रहा हो और एक ही ओवरी पे सिस्ट हो तो ये हार्मोन लगेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें हार्मोन लगा, इससे एनिमल 72 घंटे में हीट में आ जाता है, हीट में अगर एनिमल आ जाए तो समझ लो कि सिस्ट वहां से हट गई, और अगर हीट में नहीं आ रहा है तो इसको फिर रिपीट 10 दिन करेंगे आप, फिर चाहे हीट में आए नहीं आए फिर उसको आप AI कर दोगे इसको 12 घंटे के बाद, इसी इंजेक्शन दोहराओ, बस यही तो खास बात है, 11 दिन लगा देना इसको। अगर इस इंजेक्शन को लग के पशु हीट में नहीं आता है, लूटियल सिस्ट है, तो अगली बार आपको इसे लगा के 10 मिनट लगा के 11 मिनट नहीं करा देना, 11 मिनट लगा के 12 मिनट सीवन डाल देना, वो सीवन डालोगे 11 भी रुकेगी, क्योंकि थोड़ा साफ है, सिस्ट खत्म हो गई है, ओवुलेशन हो गया तो 11 तो रुक नहीं है उसको। इलाज के लिए हाथ से सिस्ट फोड़ना उचित नहीं है, ये हाथ से वही लोग सिस्ट को फोड़े जो बहुत सॉफ्ट हाथ रखते हैं, जो फोड़ चुके होते हैं, जो किसी गुरु के साथ रह चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने से वापस सिस्ट डेवलप हो जाती है, वापस सिस्ट बन जाएगी। अब ये आ गया एक, ये बहुत जरूरी है, ये इसका नाम क्या है, जी जी पी जी जी फॉर, हाँ, इसलिए हार्मोन थेरेपी बेहतर है। देखिए जीपीजी मेथड क्या है, ये मेथड ये है कि एक हार्मोन है GnRH जिसमें रिसेप्टाल इंजेक्शन को यूज करते हैं, रिसेप्टाल है, और रिसेप्टाल को यूज करें इसमें, इसमें आप गाइनरिच को यूज ना करें, रिसेप्टाल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पहले दिन आपको रिसेप्टा लगाएंगे और 7 दिन तक ये जो है कुछ नहीं करना, आपको ऐसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर PGF2 अल्फा लूटालाइज इंजेक्शन आता है, यहाँ पर आप लूटालाइज लगाएंगे और 2 दिन बीच में छोड़ेंगे, और 9वें दिन यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर रिसेप्टाल को इसी को रिपीट कर देना है, और यहाँ पर 8 से 20 घंटे के बाद आपको AI करा देनी है, ओवुलेशन ऑफ द न्यू रियर, यहाँ ओवुलेशन शुरू हो जाएगा। क्या चेंज किया, पहले दिन आपको रिसेप्टा लगाया, यहाँ पर ये रिसेप्टा लगाया, 7 दिन छोड़ दिया, 7वें दिन वेटमेट या लूटालाइज या प्रेग्मा कोई भी, ये क्या करेगा, हीट में लाने के लिए है ये। तो अब आपको इसमें क्या है, इस पर डॉक्टर उनका पांड डॉक्टर आपके मथुरा वाले डॉक्टर साहब, उन्होंने इस पर काम किया बहुत बड़ा, क्या नाम, गायनकोलॉजी वाले वहाँ पर अतुल सक्सेना, डॉक्टर अतुल सक्सेना का इसके ऊपर बहुत काम है, और मैंने अपनी लाइफ में ये काम किया, 90% से ऊपर रिजल्ट इसका। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर फॉलिकुलर सिस्ट है, कोई छोटी मोटी सिस्ट है, तो वो यहाँ खत्म हो गई, ऐसा समझ लो आप, यहाँ खत्म हो गई, नहीं हुई खत्म। मैंने क्या बताया, फॉलिकुलर सिस्ट कहाँ से खत्म होती है, रिसेप्टाल या गाइनरिच से, जीएनआरएच खत्म हो गई इससे। अब यहाँ पर गर्मी में लाना है,
72 घंटे के बाद पशु गर्मी में आता है, क्या लग के ल्यूटिलाइज बैडमेट एपरेग्मा 72 घंटे यह यहाँ लगाओगे 7 दिन के बाद, 7 दिन में ये जो फेज है, ये जो सिस्ट वाला फेज है, ये सब खत्म हो जाएगा, वो चीज क्लियर हो जाएगा, वहां का सिग्नल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 7वें दिन एक इंजेक्शन लगाओगे जिसका नाम बैडमेट या ल्यूटिलाइज या एपरेग्मा, यहाँ लगाओगे, इसका काम क्या, हीट में लाना, और फिर जब हीट में आ जाएगी तो 72 घंटे के बाद, जब हीट में 2 दिन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जब ये हीट में आ गई, फिर ओवुलेशन के लिए अंडे बने, फिर इसको यहां पर रिसेप्टल पे लगा दोगे आप। वहां पर क्या काम था उसका, छोटी मोटी कोई सिस्ट उसको खत्म करना, और यहां पर क्या काम था, दो बार लगाया हमने रिसेप्टल को, 2 बार लगाया, पहली बार लगाया जो फॉलिकुलर सिस्ट थी वो खत्म कर दी, दूसरी बार हमने वेटमेट लगाया दूसरा इंजेक्शन, उसने लूटियल सिस्ट को खत्म कर दिया, और तीसरी बार जब हमने रिसेप्टल लगाया तो उसने ओवुलेशन शुरू कर दिया, और ओवुलेशन हो गया, और उसके 8 से 24 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद आप यही कर देंगे, 90% रिजल्ट आएगा। लेकिन इसकी शर्त है, एक शर्त यह कि अगर तोड़ा, अगर डिस्चार्ज गड़बड़ है तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, शर्त यह है कि डिस्चार्ज को ठीक किया जाए। तो आज हमने आपको कंप्लीट कर दिया एआई के बेहतर रिजल्ट लेने के लिए 2 सिस्ट हैं, दोनों सिस्ट को आप लिख लें, एक सिस्ट का नाम फॉलिकुलर सिस्ट है, एक का ल्यूटियल सिस्ट है। फॉलिकुलर सिस्ट में बार बार पशु हीट में आता है, रेगुलर साइकिल रहता है, और उसमें आपको इंजेक्शन लगाना है रिसेप्टाल या गाइनरिच। जब ये हो जाए, रेगुलर साइकिल में आ जाए पशु, तो उसको आप एआई कराओगे। जो पशु बार बार हीट में नहीं आता है, साइलेंट पड़ा रहता है, हीट में ही नहीं आता, उसको एनेस्टस कहते हैं, उसमें सिस्टिक ओवरी होती है, उसमें लूटियल सिस्ट होती है, लूटियल सिस्ट जो है एक ही ओवरी पे प्रेजेंट होती है और वो एक ही जगह होती है, ऐसे टाइम पे आप जो इंजेक्शन लगाएंगे उस इंजेक्शन का नाम है वेटमेट या प्रिग्मा या ल्यूटिलाइज, वो आप लगाएंगे तो पशु हीट में आ जाएगा। और इस तरीके से हमने कल आपको बता दिया था, अगर तोड़ा गंदा है, पस है, तो उसके लिए कल हमने बता दिया था क्या करोगे। एक बात और करनी है कि सब कुछ ठीक है, बेहतर रिजल्ट लगाने के लिए जेंटामाइसिन आप 2 से 3 घंटे पहले 5 ml आप डाल के यूट्रस में डाल के, और उसके बाद आप एआई करोगे तो बेहतर रिजल्ट आए। छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर उसमें डिस्चार्ज में है तो उसे खत्म हो जाता है, बेहतर रिजल्ट आते हैं। तो बहुत अच्छा रहा, और ये कंप्लीट हो गया 16 तारीख के 3 दिन।